तो भाई ये इनके वजू की मशीन है जहाँ पर वजू होता है और काफ़ी अलग तरीके से। मैंने कहा ना कि भाई इंडोनेशिया की मस्जिद को चेक करना पड़ेगा, तो ऊपर देखो ये हैंड वॉश करने के लिए है और मस्जिद के अंदर ही देखो भाई सब कुछ एडवांस कर रखा है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। मैं हूँ समय इंडोनेशिया में। भाई ये सीरीज ना बहुत अलग चल रही है। सबसे बड़ी बात यार, इंडोनेशिया को समझना ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ये मान के चलिए 99% मुस्लिम है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पर हैं, बट इनके नाम आपको बहुत अलग तरह के मिलेंगे, इनका कल्चर बहुत अलग तरह का मिलेगा। और आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, या ये कह लीजिए पूरी दुनिया की छठे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद देखने के लिए। इस्तिक्लाल नाम से मस्जिद है। यहाँ का ये व्यू कुछ इस तरह का है। अगर मौसम की बात करूँ दोस्तों, मौसम बहुत शानदार होता है यहाँ का, बहुत ही प्यारा और ग्रीनरी वाला मौसम होता है। देखो मतलब आपको गर्मी में भी ना चलने में मजा आएगा, मौसम तो इस तरह का है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मस्जिद, ये है वो इस्तिक्लाल मस्जिद। और ये मस्जिद का रास्ता है, एक रास्ता इधर से भी है, एक इधर से भी है और एक इधर से भी है। आप देखते हैं लोग इस रास्ते से जा रहे हैं या कौन से रास्ते से जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मस्जिद का गेट नंबर 4 है, बट इधर से गेट बंद हुए हैं, तो इधर से तो एंट्री नहीं है, हमें दूसरे गेट से होकर जाना पड़ेगा। तो इसका एक गेट ये है, इधर से होकर जाते हैं अंदर। ये मस्जिद का एक गेट और है। तो ये मस्जिद की पार्किंग है, यानी बेसमेंट में जा रही है और अभी हम मस्जिद घूमने वाले हैं। और ये जो मस्जिद देखोगे ना, ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये इस्तिक्लाल मस्जिद जिसे हम देखने जा रहे हैं। और ये दुनिया की छठी नंबर की मस्जिद बोली जाती है, सबसे बड़ी मस्जिद। अब ये देखना है कि मस्जिद के अंदर किस तरह का मतलब वो है, मतलब किस तरह का डिजाइन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर भाई सब कुछ अलग है। तो अभी हम आए हैं मस्जिद देखने के लिए। सामने चर्च है वो। और एक चीज़ है, इन्होंने मस्जिद के देखो बीच में से ये नाला निकाल रखा है, यानी गेट वो वाला है, मस्जिद के अंदर ये नाला है और यहाँ से एक रास्ता वो दे रखा है, एक रास्ता ये है। और ये देखिए मस्जिद के बाहर आप देखोगे कि पहली बार देख रहा हूँ कि मस्जिद में इन्होंने जो है बच्चों के खेलने के लिए डिजाइन बना रखा है। ये काफ़ी अलग है भाई, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि यार यहाँ के लोगों को जानना ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ चल रहे हैं जहाँ से लिखा हुआ है मदरसा, और यहाँ पर लिखा हुआ है पिंतू प्रिया, यानी मैन एंट्रेंस, हम जेंट्स के लिए एंट्री है यहाँ से। तो भाई यहाँ पर हमने जूते उतारे हैं और हमें टोकन मिला है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया है। और ये मस्जिद क्या, इसके अंदर मुझे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है भाई। तो पहले उनसे पूछा कि यू मुस्लिम, मेरा यस, कि यू वांट टू प्रे, मेरा यस, तो ले ओके। तो यहाँ पर हमने जूते उतारे और यहाँ के बाद यहाँ एंट्री, उधर से उन्होंने एंट्री दी नहीं, इधर से हमें एंट्री मिली है। और ये देखिए काफ़ी, ये सारे के सारे जो नाले हैं ना, सारे इसी के अंदर आ गए। अंदर से देखते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। तो भाई अंदर से ये व्यू देखो मस्जिद का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम वजू करने वाली जगह जा रहे हैं, फिर जो है चलेंगे नमाज पढ़ने के लिए। अरे वाह माशाल्लाह भाई, वजू करने का तरीका, इनकी मशीन भी बहुत अलग है। ये देखिए ये है इनके वजू का, यहाँ पर हम वजू करते हैं और उसके बाद जो है फिर ऊपर चलते हैं। तो भाई ये इनके वजू की मशीन है जहाँ पर वजू होता है और काफ़ी अलग तरीके से। मैंने कहा ना कि भाई इंडोनेशिया की मस्जिद को चेक करना पड़ेगा, तो ऊपर देखो ये हैंड वॉश करने के लिए है, यहाँ पर आप वजू कर सकते हो, तो बैठ के करना है तो स्टूल लेके कर सकते हो, ना तो खड़े होकर ही होगा वजू। तो भाई मशीन भी बहुत अलग तरह की लगा रखी है। और मस्जिद के अंदर ही देखो भाई सब कुछ एडवांस कर रखा है। यहाँ पर यह है लॉकर वगैरह है सामान वामान रखने के लिए, इसका कोई चार्ज वगैरह होगा। और देखो पेमेंट यह है ई मनी से दे सकते हो, वो ये पूरा इस तरीके से। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, और भी कुछ है, अगर आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना चाहो तो यहाँ से आप पैसे डालोगे और आ जाएगी। और ये सब कुछ जो है मस्जिद के अंदर ही दिख रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया है इसको। तो चलो आगे चलते हैं। तो इधर जो है टॉयलेट है, टॉयलेट बने हुए हैं इधर इस साइड में। तो अभी तो हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद जो है चलेंगे ऊपर। तो इस साइड पर आप देख सकते हो ये है मदरसा, यानी बच्चों के लिए स्कूलिंग होती है यहाँ पर, और जो कि 2 से लेकर 6 तक क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, मतलब बहुत स्पेस है भाई, नीचे अगर देखा जाए तो हद से ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अलाउ नहीं था, बट साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर जो है मदरसा है। तो यहाँ मैंने जूम करके देखा कि ये मदरसा है और काफ़ी बड़ा है, मतलब अंदर से देखा जाए ना तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो अभी जो हम जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये वाला जो साइड है ये वीमेंस के लिए है, यानी महिलाओं के लिए है, और
काफी, ये यहाँ से आप देख सकते हो लिखा हुआ विमेंस के लिए है। तो खैर चलो अभी हम जा रहे हैं ऊपर नमाज पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आ चुके हैं हम पहली मंजिल पे यानी छत पर, और यहाँ से आप देखिए काफ़ी स्पेस है और काफ़ी बड़ी है। और जैसे मैंने बताया था ना कि आगे यहाँ पर बहुत स्पेस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने एंट्री की थी और इस सामने जो जा रहे हैं हम, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड है यानी अभी हम छत के ऊपर है और यहाँ से आप इसको फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हो। बहुत ही स्पेस है, हद से ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, इसलिए ये जो है दुनिया की छठी सबसे बड़ी मस्जिद जो है बोली जाती है। और यहीं पर ये मीनार आप देख सकते हैं, और अभी जो हम जा रहे हैं जहाँ पर प्रे होती है उस जगह पर जा रहे हैं। और जिस तरह ये फ्लोर है ना, यहाँ पर इस तरह के 5 फ्लोर और हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये सारी की सारी जगह वो है जहाँ पर लोग गैदरिंग होती है लोगों की जब नमाज के टाइम फ्राइडे के दिन या स्पेशल ईद वगैरह होती है उस दिन। तो यहाँ से अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से मैं व्यू दिखाऊंगा आपको मस्जिद का। तो फाइनली दोस्तों हम मस्जिद में एंट्री कर चुके हैं। तो माशाल्लाह यहाँ की ये मस्जिद देखिए वाकई में दोस्तों बहुत ही अलग है, और बहुत ही ज़्यादा इसका डिज़ाइन भी बहुत चेंज है, और मतलब बहुत ही स्पेशल मुझे काफ़ी अच्छी मस्जिद लगी है। यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा। और छत जो इसकी थी ना रूफ, वो तो अलग ही शाइनिंग हो रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, हम फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन यहाँ से आप 6 के 6 फ्लोर आप यहाँ से देख सकते हो। आपको लग रहा होगा देखा कि ये छठे फ्लोर की छत है, बट यहाँ से आप ये पूरा व्यू देख सकते हो मस्जिद का, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ से अभी फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से पूरा आप देख सकते हो ऊपर तक का व्यू और साइड तक का व्यू, ये आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ जहाँ से हमने अंदर एंट्री की थी, तो यहाँ से आप मस्जिद देखिए। और ये फैन आप देख सकते हो, फैन पूरा इसके अंदर फिट है, और मतलब काफ़ी अच्छा इस तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर जब मैं आया था असर का टाइम था, तो हमने यहाँ पर जो है असर की नमाज़ पढ़ी थी, नफिल पढ़ी थी। और फिलहाल यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका कल्चर मस्जिद का जो अंदर से बनाई गई है। स्पेशली छत की अगर बात की जाए तो बहुत ही अलग तरह से शाइनिंग कर रही थी, और यहाँ से आप एक एक फ्लोर जो है काउंट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, इस छत का जो कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सेम ऐसा लग रहा था जैसे मक्का टावर है ना, मक्का टावर का जो कलर है उसी तरीके से। और यहाँ से आप फ्लोर को काउंट कर सकते हो। तो जो अभी हम खड़े हैं ना, ये खड़े हैं हम पहली मंजिल पे, और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी, यानी 6 मंजिल है ये। और काफ़ी प्यारी मस्जिद है भाई, अंदर का तो व्यू बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर मैंने अभी नमाज़ पढ़ी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए ना इसकी कमी कम है। और ये देखिए, और मतलब काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और उधर जो है वो लेडीज़ का है। तो अभी हम चल रहे हैं और चलते हैं नीचे। तो यहाँ से ये इसका व्यू आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर, और नीचे मदरसा भी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ से आप लिफ्ट से भी हम जो नीचे जा सकते हैं। ये वाला वो पोर्शन है आप देख रहे हैं, सामने जो है वो चर्च है पूरा। तो फाइनली दोस्तों मैं नीचे आ गया। तो फाइनली दोस्तों मैं बाहर आ गया। बहुत ही प्यारी मस्जिद भाई, उम्दा मस्जिद, जितनी तारीफ़ की जाए कम ही कम है। और ये है साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की 6 नंबर की मस्जिद। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो आप मुझे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक जाएँ, सर्च करें अरबाज़ ब्लॉग, वहाँ से फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।